अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही वो मर चुकी थी। डॉक्टर ने उनके हस्बैंड को बता दिया है, होम टाउन से भी कुछ लोग आ रहे हैं। उनकी बॉडी को मॉर्चरी में अभी अभी शिफ्ट किया गया है। मैंने ही उनसे कहा था कि तुम्हें खबर कर दे, क्योंकि तुम बहुत जल्दी ही बाहर जाने वाली हो। तुम्हें उससे बहुत लगाव था, वो तुम्हें घर पे बुलाने की बात कर रही थी। मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं रहा, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं भी चला जाऊंगा। दादाजी आप आराम करें, मैं फिर आऊंगी। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। हॉस्टल में फोन किया था, कल रात ड्यूटी के बाद हॉस्टल नहीं पहुंची। रीटा आखिर गई कहाँ? पेशेंट के रूम में ही थी, उसके बाद कहाँ गई किसी को नहीं पता। पता नहीं रीटा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई होगी। उसने कहा तो था यही कहीं मिलने के लिए। एड्रेस बताना चाहिए था ना, सीधे वहीं पहुंच जाते हम लोग। उस पे भरोसा नहीं कर सकता, कहेगा काठमांडू जा रहा है और जाएगा कहीं और, समझा। तो फिर उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें पूछना चाहिए था ना उससे। देखो गोपाल, वो बहुत खतरनाक है, आसपास कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी है, देखो जरा। गोविंद एक बात बता मुझे, तेरा दोस्त पागल है क्या? सही समझो, वो बहुत चालाक है। तो ऐसे आदमी से मिलने के लिए हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने थोड़ी कुछ किया, उसी ने बुलाया। क्या वो यहाँ पर कार में आने वाला है? हाँ, वो देखो वहाँ पर एक कार खड़ी है। अरे हाँ, ये उसी की कार है, पहले क्यों नहीं बताया तूने? सॉरी, मैंने भी अभी भी देखी ना। जल्दी चल। अबे गधे, श्रीमान गोविंद। मैं कल रात यहाँ आया था, तुमसे नहीं मिल पाया, इसीलिए गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे आके कब्रिस्तान में मिलो। अरे बाप रे, उससे मिले कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ मैं समझ गया, वो पागल नहीं कभी है। तुम ही कैसे पता? हाँ तभी तो तुम्हारी तारीफ की है ना, अबे गधे श्रीमान गोविंद। ये तारीफ नहीं है, पहला शब्द तेरे लिए था, दूसरा मेरे लिए। अरे यार उसकी तारीफ तू अपने पास ही रख, चल अब। गोविंदा, Come along, my little children, come along. मेरे बच्चों, ये जीवन भी नाट्य मंच की तरह है। जब से मैंने यहाँ कदम रखा है, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। Positive vibrations, उमंग तरंग, गोविंदा गोविंदा। बच्चों, कल रात मैं बहुत दिनों बाद एक अच्छी जगह पे चैन की नींद सोया, और ऐसा सुख और चैन मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। अरे गोविंदा, आपकी ही वजह से मैं लिखता हूँ, गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, कल्पना करता हूँ, मजे करता हूँ। गोविंदा, वो मेरे ज्ञान की शक्ति है। और मैं, ये क्या पागलपन है श्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हो? गोविंदा गोविंदा, बच्चों को हटा यहाँ से। चलो बच्चों, निकलो निकलो यहाँ से। देख गोविंद, ये क्या मजाक है, मैं अभी साक्षात गोविंद बन गया हूँ। मुझसे ये बकवास मत कर, तुझे पता है कि मैं ही असली गोविंद हूँ। कहाँ था तू? तूने कहा था कल रात तक यहाँ पहुँच जाएगा। शांति शांति, जो हुआ ठीक हुआ, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। ये कौन है? मेरा दोस्त गोपाल। हेलो हेलो, तुम्हारे पास ये जो मास्क है ना, बहुत सुंदर है। मास्क? ये दुनिया का मैजिकल मास्क है। क्या मतलब? इस दुनिया में सभी के दो चेहरे होते हैं, नकली चेहरा और असली चेहरा। नकली चेहरा एकदम सही बात।
दरअसल तुम दोनों को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो अब मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। जादू? 1.5 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है और इतने समय में तू जादूगर बन गया। ओके रुको, अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। अब देखना। कल रात को मैं इधर से ही गया था, वहां पर तारों से बंधा हुआ था, इसके लिए मैं उधर ही रुक गया था रात को, बहुत चैन से सोया रात भर। फिर सूर्य उदय के बाद निकल गया। मैं कुछ समझा नहीं। ये सब मेरे मैजिक से हुआ है। ऐसी डरावनी जगह पे तुझे नींद कैसे आई? सब कालदेव की कृपा है। सुन गोविंद, इससे पहले कि ये पूरी तरह पागल हो जाए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है वापस चल। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? तुम एक लड़की हो और दूसरे के घर में आकर बेड पे बैठी हुई हो। पर मैं यहाँ कैसे आ गई? देखो ये तो मुझे नहीं पता। किसने मुझे यहाँ बुलाया है? ये तो अभी पता चल जाएगा। गोविंद ने बुलाया होगा। गोविंद कौन है वो? मुझे तुम्हें सिर्फ ये समझाना है कि तुम्हें यहाँ गोविंद लेकर आया होगा। गोविंद, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे देखने तो मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन है? बताता हूँ, वो एक कथक डांसर है। मछली जैसी दो आंखें, मोर जैसे दो पैर, जस्ट लाइक अ हॉट गर्ल। छी, ऐसे मत कहो। बिना मेरे बारे में जाने मैं कौन हूँ तो मेरे बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो? तो बताओ कौन हो, यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ भी याद नहीं। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, शायद मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा समझ गया, लाइफ में सब कुछ बर्बाद करने के बाद खुद को भूलने की बीमारी है। नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। तुम गॉड को ढूंढ रही हो ना? मेरा दोस्त है गोविंद, उसको बुलाता हूँ। हेलो, मैंने तुझसे किराए पे घर लेने के लिए कहा था, तूने किसी और को भी किराए पे दे रखा है क्या? नहीं तो क्या हुआ? नए घर पे हूँ, तू फौरन आ जा मेरे पास। नशा ज्यादा हो गया क्या तुझे? अरे नशे में नहीं हूँ मैं, नशे में नहीं हूँ, समझा तू? तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। बकवास मत कर, जल्दी आ जा यहाँ पर। तुम कौन हो? मैं पिछले महीने ही मर गया था, अब मेरी आत्मा घर ढूंढ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मैं गॉड को ढूंढने आया हूँ। गॉड को ढूंढने? सुनो ध्यान से सुनना, मेरा नाम श्री कुमार है, कुछ याद आया? नहीं कुछ नहीं। ओके, मेरा दोस्त अभी आएगा और आपको यहाँ से ले जाएगा। ऐसा मत करो प्लीज, मेरे पास कोई जगह नहीं है। फिक्र मत करो, मेरा दोस्त तुम्हारा इंतजाम कर देगा। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, यहां कोई और भी है, उसे भूलने की बीमारी है। अंदर जाके देखो। कौन है? एक लड़की। लड़की?
यहाँ पर मुझे भी देखनी है, सुंदर है। हाँ, कहाँ है? अभी अभी यहीं थी, मुझसे बात कर रही थी, देखो अंदर ही होगी। आजा। यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने तो कहा अंदर लड़की है। नीचे छिपी है लड़की। तुम यहां छुपकर क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बाहर आओ ना। डांट पड़ेगी तभी बाहर आएगी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तुम्हें जो भी जैसे भी प्रॉब्लम हो इन्हें बता दो। देखो एक बात अच्छी तरह समझ लो, जो भी सच है साफ साफ बता दो, वरना तुम्हें यहां से ले जाएंगे। इसे मजाक मत समझना।